खून हमारी बॉडी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सो वेलकम टू साइंस पेडागॉजिक्स, साइंस मेड इजियर। आज के लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि क्यों खून ज़रूरी होता है और असल में खून होता क्या है और क्यों खून की कमी होने से कई बीमारियां हो सकती है जो कि जानलेवा भी हो सकती है। सो प्लीज़ प्रोसीड एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिफोर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द वीडियो। योर सपोर्ट मैटर्स एन अलॉट इन दिस जर्नी। टुडेज टॉपिक इज ब्लड। ब्लड मानी हिंदी में ब्लड को खून बोलते हैं। तो हमें पता है कि हमें चोट लगती है तो हमें खून आता है, या फिर कई बार डॉक्टर बोलता है खून की कमी हो गई। तो व्हाट एक्चुअली ब्लड इज, आज हम ये पढ़ेंगे। तो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। लेमैन टर्म में देखा जाए तो फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड। तो हमें पता है हमारा ब्लड जो है वो लिक्विड होता है एंड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू इसलिए क्योंकि हमारा ब्लड जो है एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से जोड़ता है। सो इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कैसे जोड़ता है, अगर हम देखें तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, हम जो भी खाना खाते हैं उससे जो न्यूट्रिएंट्स मिलता है वो ब्लड के थ्रू दूसरे ऑर्गन्स तक, दूसरे सेल्स तक पहुंचता है। तो ये एक एग्जाम्पल था कि कैसे ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इफ वी सी, हमारा बॉडी वेट जो है वो 7-8% ब्लड से मिलके बना हुआ होता है। मतलब इफ वी आर 50 kgs ऑफ वेट, तो 50 का 7 जो परसेंट है वो 50 kgs का ब्लड होगा। दैट मीन्स ऑलमोस्ट अबाउट 3.5 kgs, राइट। नाउ जो ब्लड है हमारी बॉडी में वो ऑलमोस्ट 5 लीटर होता है। सो जैसे हम लोग कई बार मजाक में कह देते हैं कि मेरा तो सारा 1 लीटर खून बह गया थोड़ी सी भी चोट लगने पे। सो दैट इज एक्चुअली फॉल्स, क्योंकि हमारी बॉडी में होता ही कुल 5 लीटर ब्लड है। सो यू हैव टू रिमेंबर द नॉर्मल वैल्यूज ऑल्सो, कि 5 लीटर्स ऑफ ब्लड इज प्रेजेंट इन अ नॉर्मल ह्यूमन हेल्दी बॉडी। नाउ लेट अस सी कि ब्लड के क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं, मतलब ब्लड में क्या क्या होता है। जनरल नॉलेज के पर्पज से लोगों को क्यूरियोसिटी होती है कि जब डॉक्टर कहता है कि खून की कमी हो गई तो खून में क्या कमी हो गई, या फिर डॉक्टर कई बार ये भी बोलता है कि खून की कमी के कारण ही आपके खून में जो है WBC कम है इसीलिए आपको इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है। कुछ लोग होते हैं ना बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो यूजुअल टर्म्स में देखा जाए तो ब्लड में कुछ ऐसे कॉम्पोनेंट्स होते हैं जो कि हमें जो है वो इम्यूनिटी देते हैं, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता देते हैं, या फिर हमारे खून को लाल बनाते हैं, या फिर हमें चोट लग जाती है तो खून को क्लॉट करते हैं, ब्लड की क्लॉटिंग करते हैं, राइट। या फिर हमारा ब्लड लिक्विड होता है। तो क्यों होता है वो सब हम देखेंगे अभी कॉम्पोनेंट्स ऑफ ब्लड के थ्रू। तो ब्लड का पहला और मेजर कॉम्पोनेंट है प्लाज्मा। ये जिस इमेज में जो येलो कलर का फ्लूइड दिख रहा है, ये पूरा फ्लूइड जो है इट इज प्लाज्मा। एंड ये 55% बनाता है हमारी ब्लड का। प्लाज्मा जो है येलो कलर का होता है एंड दिस इज नथिंग बट एक्चुअली अ फ्लूइड ओनली। प्लाज्मा के कारण ही हमारा जो ब्लड है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, फ्लूइड फॉर्म में होता है, इसीलिए वो तरल होता है। अगर देखा जाए तो हिंदी में कहा जाए तो ब्लड तरल होता है, लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा। नाउ जो दूसरे कॉम्पोनेंट्स है वो कुछ सेल्स होते हैं। कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड में जो कि जो काम करते हैं, हमारे खून को लाल बनाते हैं, या फिर जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, हमें स्ट्रेंथ देते हैं, या फिर ब्लड को क्लॉट करते हैं, उन सब को हम बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स, या फिर हम ब्लड सेल्स भी बोल सकते हैं इन्हें, फॉर्म्ड एलिमेंट्स या ब्लड सेल्स। जो ब्लड सेल्स हैं वो 3 तरीके की होती है, इरिथ्रोसाइट या फिर रेड ब्लड सेल्स। इस डायग्राम में जितने भी रेड कलर की चीजें दिख रही है वो है रेड ब्लड सेल्स या इरिथ्रोसाइट। देन वी हैव ल्यूकोसाइट। ये जितनी भी येलो कलर की चीजें दिख रही है जिनकी कोई शेप नहीं है, ये है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट का काम होता है हमें इम्यूनिटी देना, हमें जो छोटे मोटे इन्फेक्शन होते हैं उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी मिलती है वो ल्यूकोसाइट के कारण मिलती है, राइट। और प्लेटलेट्स, ये जो पर्पल कलर के या ब्लूइश कलर के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का मेजर फंक्शन होता है कि वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करें। जब हमें कभी लग जाती है और उसमें से खून बहता है तो खून एक समय के बाद जो है रुक जाता है, उसको ब्लड क्लॉट होना कहते हैं। तो वो होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्लेटलेट्स। अब प्लाज्मा के कॉम्पोनेंट देखा जाए तो प्लाज्मा जो है 95% पानी होता है। जैसा कि मैंने बताया प्लाज्मा फ्लूइड बनाता है ब्लड को, तो 95% वाटर होता है प्लाज्मा।
एंड उसके अलावा कई चीज़ें प्रेजेंट होती है प्लाज्मा में, जैसे कि कुछ आयन्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, हॉर्मोन्स होते हैं कई तरीके के प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, कई चीज़ें प्रेजेंट होती है प्लाज्मा में जो कि असेंशियल होती है एक लिविंग बॉडी के लिए। तो ये हमने देखे कॉम्पोनेंट्स ऑफ ब्लड, जिसमें मेजर था प्लाज्मा 55% और फॉर्म्ड एलिमेंट्स या ब्लड सेल थे 45%, राइट। उसके बाद है कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं ब्लड के। नॉर्मल इंसान को जो है वो ब्लड के फंक्शंस नहीं पता होते हैं। ब्लड बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, इसीलिए जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और खून बहुत ज्यादा बह जाता है तो उसको खून चढ़ाया जाता है, या फिर ब्लड डोनेशन हमारे समाज में जो है बहुत ही बड़ा काम है, बहुत ही अच्छा काम माना जाता है ब्लड डोनेशन। क्यों? क्योंकि ब्लड एक्चुअली हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उसके फंक्शंस देखते हैं हम। तो ब्लड के अगर फंक्शंस देखें तो सबसे पहला और मोस्ट असेंशियल फंक्शन है ब्लड का ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट। दरअसल हमारे सेल्स को जिंदा रहने के लिए हम जब सांस लेते हैं अंदर, उसके साथ ऑक्सीजन जाती है, तो हमारे सेल्स को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ब्लड का काम होता है कि हमारे लंग्स या हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन लाए और सेल्स को पहुंचाए। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाया गया, ऑक्सीजन ला रहा है ब्लड, लंग्स से ले रहा है और फिर सेल्स को पहुंचा रहा है। और ये काम भी पर्टिकुलरली इरिथ्रोसाइट्स या फिर रेड ब्लड सेल्स का काम होता है, ऑक्सीजन लाना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ के आना। अब हमारे सेल्स जो है ऑक्सीजन को तो काम में ले लेते हैं और उसका जो बचा हुआ कुचा जो वेस्ट मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको ब्लड में रिलीज कर देते हैं। अब वेस्ट मटेरियल हमारे खून में तो रह नहीं सकता, इसीलिए ये ब्लड इस वेस्ट मटेरियल को लंग्स के थ्रू जब हम सांस छोड़ते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। तो ब्लड का पहला और फॉरमोस्ट फंक्शन है ऑक्सीजन को लेना, सेल्स तक पहुंचाना, सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और लंग्स तक पहुंचाना ताकि वो एलिमिनेट हो जाए। दूसरा फंक्शन है ब्लड का ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हम खाना खाते हैं ताकि ताकत मिले हमें। अगर हम 7 दिन तक लगातार फास्ट कर लें या कई बार 1 दिन तक भी हम फास्ट कर लें तो हमें कमजोरी महसूस होने लगती है। व्रत कर लें तो कमजोरी होती है क्योंकि हम कुछ खाना नहीं खाते। तो खाने का मेजर फंक्शन क्या होता है? ताकत। ताकत कब मिलेगी? जब ब्लड जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से ये सारे न्यूट्रिएंट्स लेगा और फिर उसके बाद सेल्स तक पहुंचाएगा। तो ब्लड का काम है न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्टिव सिस्टम से ले, जो हमने खाना खाया है उससे न्यूट्रिएंट्स ले, जो भी हमें चाहिए, आयरन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड्स हो गया, ग्लूकोज, फैट्स, एनीथिंग, और उसके बाद हमारी बॉडी की हर एक सेल तक पहुंचाए ताकि सेल उसे काम में ले सके। सेल्स काम में लेगा तभी जो है सेल जिंदा रहेगा और सेल को एनर्जी मिलेगी। तो ब्लड का सेकेंड मेजर फंक्शन है ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम टू सेल्स फॉर एनर्जी एंड नरिशमेंट। तीसरा फंक्शन है ब्लड का वेस्ट मटेरियल। अब हमारा सेल क्या करता है? जो काम की चीजें होती है उसे यूटिलाइज कर लेगा। यूटिलाइज करने के बाद जो कचरा बचता है ना वो ब्लड में फेंक देता है। कचरे को हम साइंस की लैंग्वेज में एक्सक्रीटा कहते हैं एंड या फिर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, वेस्ट मटेरियल, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स वो ब्लड में थ्रो अवे कर देगा, ब्लड में रिलीज कर देगा और ब्लड जो है वो किडनीज तक पहुंचाएगा ये टॉक्सिक मटेरियल और किडनी जो है फिर उसे एक्सक्रीट कर देगी। तो ब्लड का ये भी काम है कि सेल से जो भी वेस्ट मटेरियल है वो ले और किडनीज के थ्रू एक्सक्रीट कर दे। अगला फंक्शन है ब्लड का, हमारी बॉडी में कई सारे ऑर्गन्स हैं, एंडोक्राइन ऑर्गन्स हैं। ये एंडोक्राइन ऑर्गन्स हॉर्मोन्स बनाते हैं। हॉर्मोन्स का बहुत ही एसेंशियल फंक्शन होता है हमारी बॉडी में। जैसे पैनक्रियाज का एग्जांपल लें तो पैनक्रियाज इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन का काम होता है, अगर लेमैन टर्म में आप लोगों ने सुना होगा तो कई लोगों को डायबिटीज होती है, मधुमेह होता है, तो वो इंसुलिन की कमी के कारण होता है। क्योंकि इंसुलिन जो है सेल्स जो है हमारी बॉडी के उसको ग्लूकोज काम में लेने का काम करता है। अगर इंसुलिन की कमी होगी तो ग्लूकोज बढ़ जाएगा ब्लड में जिसके कारण से डायबिटीज हो जाती है। तो ब्लड का ये भी काम है कि पैनक्रियाज और इसके जैसे अदर ऑर्गन्स, अदर एंडोक्राइन ऑर्गन्स से ऐसे हॉर्मोन्स ले इंसुलिन जैसे और सेल्स तक पहुंचाए। अगर साइंस की भाषा में बात की जाए तो पैनक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट करता है तो इंसुलिन को सेल्स तक पहुंचाना, पिट्यूटरी ग्लैंड है ग्रोथ हॉर्मोन सिक्रीट करती है तो उसको सेल्स तक पहुंचाना। तो एक्चुअली ब्लड जो है हॉर्मोन्स को भी ट्रांसफर करता है फ्रॉम एंडोक्राइन ऑर्गन्स टू साइट ऑफ एक्शन, दैट मीन्स सेल्स।
अगला फंक्शन है, हमें पता है हमें कहीं भी चोट लग जाती है तो खून बहने लग जाता है, तो एज आई टोल्ड यू खून बहने को रोकने के लिए भी जो है ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन करता है। क्लॉटिंग के लिए ब्लड में जो है कई सारी प्लेटलेट्स होती हैं, हमने देखा प्लेटलेट्स के अलावा कई सारे क्लॉटिंग प्रोटीन्स होते हैं, ये भी हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में, ताकि हमारा खून बहता ही ना जाए। तो ब्लड का नेक्स्ट फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग, बिकॉज इट हैज फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग। नेक्स्ट फंक्शन इज कि हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर इन्वेड करता है, जैसे जो है काटा चुभ गया, या फिर कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, या फिर मान लो कि आपने कुछ ऐसा उल्टा सीधा खा लिया, या कुछ भी जैसे किसी चींटी ने काट लिया, तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमने देखा बॉडी में जो फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं ब्लड में, उसमें WBCs होती है, वाइट ब्लड सेल्स। तो इन वाइट ब्लड सेल्स का काम होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, मतलब इम्यूनिटी बढ़ाना। तो ये WBC क्या करती है, वो फॉरेन पार्टिकल जैसे बैक्टीरिया हो गया, कोई कांटा चुभना हो गया, कुछ गलत खा लिया वो हो गया, तो एक्चुअली ये WBC और मैक्रोफेजेस क्या करती है, इन इन्फेक्शंस को ख़त्म करती है। तो ब्लड का एक फंक्शन ये भी है कि हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करे, ताकि हमें इन्फेक्शंस आसानी से ना हो। अगला फंक्शन है ब्लड का, आपने देखा होगा कि बाहर अगर ठंड है तो आप कांपते हैं, और बाहर अगर गर्मी है तो आप स्वेट करते हैं, राइट? तो हमारे ब्लड की वजह से होता है एक्चुअली। ब्लड जो है हमारे बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखता है, बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है। हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। हमारा ब्लड हर वो काम करता है पॉसिबल जिसके कारण से ये 37 डिग्री सेल्सियस ही बना रहे। सर्दियाँ होंगी तो हम कांपेंगे, कांपेंगे तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, इससे टेम्परेचर बढ़ेगा। गर्मियाँ होंगी बाहर तो हमें पसीना आएगा, जिसके कारण से हमारा बॉडी टेम्परेचर घट के 37 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को कि बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट कांस्टेंट रहे, इरिस्पेक्टिव कि बाहर ठंड है, गर्मी है, बरसात है, क्या है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं होम्योस्टेसिस। तो हमारा ब्लड जो है बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को भी मेंटेन करता है और होम्योस्टेसिस को कांस्टेंट बनाए रखता है, ताकि हमारे बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो है वो डिस्टर्ब ना हो, हमारी बॉडी जो है प्रॉपरली फंक्शन करती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इस चैप्टर से रिलेटेड और वीडियोज आपकी स्क्रीन पे शोन है, एंड प्लीज कीप अपडेटेड योरसेल्फ अबाउट आवर फर्दर वीडियोज़।